Hey guys, this is Aman Mittal. Welcoming you all to Crack Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today we shall be cracking each and every essential information with respect to the Atmanirbhar Bharat Abhiyan 4.0. That is the fourth tranche released by the government of India, emphasizing upon the industrial reforms. So, respecting the time, let's begin this video, guys. बिफोर कमिंग टू द टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेप नट्स का एक डेली न्यूज नट्स इनिशिएटिव है जिसमें ऑन डेली बेसिस वी ट्राई टू डिलीवर यू ऑल दी एसेंशियल न्यूज दैट यू मस्ट रीड और हमारा कवरेज रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सोर्स से वी इंक्लूड आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस एंड पी आई बी एज वेल और डेली न्यूज नट्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग खुद से सीख पाए कि कौन सी न्यूज पढ़नी चाहिए उसे कैसे पढ़ना चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसे यूज कैसे करना चाहिए और डेली न्यूज नट्स का एम्फोसिस रहता है

सेकंड पैकेज दैट इज आत्मनिर्भर भारत अभियान

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आठ कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा सा पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स देख लेते हैं जो कि इन जनरल हैं एंड विच विल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कल्चर ऑफ आर कंट्री तो वो पॉलिसी रिफॉर्म यहाँ पेड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का कर दिया गया है जो कि इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस को अब फास्ट ट्रैक करेंगे अभी तक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंसेस में जो भी रेड टेपिज्म था ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी वो अब ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज टेक ओवर करेंगे एंड दे विल प्रोवाइड फास्ट ट्रैक क्लियरेंसेस टू ऑल सच इन्वेस्टमेंट्स।

मिलेगा इन टेकिंग राइट डिसीजन वेयर टू इन्वेस्ट और स्टेट्स की पॉलिसीज भी क्लियरली पब्लिक डोमेन में आएंगी कि कौन सा स्टेट कितना इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है और कौन सा स्टेट में कितने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं एवेंचुअल रिजल्ट स्टेट्स वुड बी स्टेट्स को अपनी पॉलिसी रिफॉर्मस बेसिस पे करने पड़ेंगे टोटल 12 सेक्टर्स आते हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है फॉर फोकस्ड अटेंशन एंड द सेक्टर्स आर लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस लीगल सर्विसेस टूरिज्म एक्सेट्राउंड इन so, सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा फर्दर ताकि उनका पोटेंशियल रियलाइज किया जा सके एंड द लास्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रियल क्लस्टर अपग्रेडेशन जहां पे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और कनेक्टिविटी इंप्रूव करी जाएगी बिटवीन द इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ऑफ द इंडिया सो दीज फाइव आर दी पॉलिसी रिफॉर्म्स जो कि ओवरऑल अफेक्ट करेंगे इंडिया के इन्वेस्टमेंट कल्चर को और अब हम देख लेते हैं इंडिविजुअल सेक्टर वाइज रिफॉर्म्स जो अनाउंस किए हैं इन द फोर्थ ट्रांजे सेक्टर इज से कोल सेक्टर जहां पे कमर्शियल माइनिंग अब अलाउ कर दी गई है कमर्शियल माइनिंग से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी कॉम्पिटेटिवनेस आएगी सेक्टर में अभी तक कोल सेक्टर में जो शेयरिंग होती थी पेमेंट की वो प्रोडक्शन बेसिस पे हुआ करती थी दैट इज जितना टन प्रोड्यूस हुआ अकॉर्डिंगली पेमेंट होती थी बट अब इस सिस्टम को चेंज करके रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म लेके आ गए हैं रेवेन्यू शेयरिंग 2016 में हाइड्रोकार्बन्स में लेके ऑलरेडी आ चुके थे अंडर हेल्प पॉलिसी दैट इज दी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी ये सेम कॉन्सेप्ट अब कोल सेक्टर में भी आ गया है जिससे रेवेन्यूज ना कि बढ़ेंगे बट ट्रांसपेरेंसी भी आएगी विद इन दी सिस्टम बिकॉज वेट के बेसिस पे जो पहले पेमेंट हुआ करती थी उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज होती थी बिकॉज वेट को मैन्यपुलेट करना इज अ वेरी इजी टास्क फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गैंग ऑफ वजीपुर मूवी देखी हो उसमें दिखाया जाए कि कोल को पानी से भिगो दिया करते थे ताकि उसका वेट इंक्रीज हो जाए तो सिमिलर काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व करी गई है इन द कोल सेक्टर और इसीलिए अब रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म आ जाएगा सेकंड इज विद रिस्पेक्ट टू दी लिबरलाइजेशन ऑफ द एंट्री नॉर्म्स तो अब कोई भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस नहीं होगी फॉर द बिड प्लेयर्स टू बिड इन दिन ऑफ कोल ब्लॉक्स और अब गवर्नमेंट नियर अबाउट फिफ्टी ब्लॉक्स ऑफर करने वाली है यूजिंग दी सेम क्राइटेरिया दैट इज दी नो एलिजिबिलिटी कंडीशन थर्ड इज विध रिस्पेक्ट टू दी एक्सप्लोरेशन कम प्रोडक्शन रिजीम अभी तक ये होता था कि जो ब्लॉक्स फुल्ली एक्सप्लोर हो चुके हैं उन्हीं में प्रोडक्शन अलाउ किया जाता था तो इससे प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज में नहीं आता था लेकिन अब यहां पे चेंजेस ये कर दिए गए हैं कि जो पार्शली एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स हैं, उनका भी ऑप्शन हो सकता है तो इससे इंडिया में एक्सप्लोरेशन रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे

वुड बी एनहेशनल ऑपरेशनल इंक्रीज होगी बिकॉज एक तो प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज कर दिया है रेवेन्यू शेयरिंग मैकेजम लेके आ गए हैं नो एलिजिबिलिटी कंडीशन है यहाँ पे तो ऑपरेशन जो है वो बूस्टअप होंगे यहाँ पे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अंडर द रिफॉर्म टेकन फॉर कमर्शियल माइनिंग इन द कोल सेक्टर इज टू रिमूव द डिफरेंस बिटवीन दैप्टिव माइन्स एंड नॉन कैप्टिव माइन्स अभी तक ऐसा होता था कि कैप्टिव माइंस को ही अलाउड था प्रोडक्शन इंडिया में और नॉन कैप्टिव माइंस को अलाउड नहीं था कैप्टिव माइंस बेसिकली वो होती हैं कि जो कंपनी को कोल का एंड यूज करना है वो ही प्रोडक्शन करेगी जिस कंपनी का एंड यूज कोल नहीं है वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व होगी तो अब ये जो क्राइटेरिया है ये हटा दिया है और नॉन कैप्टिव माइन्स को फैसिलिटेट किया गया है तो इससे ये होगा कि जो कंपनीज प्रोडक्शन में एक्सपर्टीज रखती है बट जिनका एंड यूज नहीं है वो भी कोल सेक्टर सेक्टर में प्रोडक्शन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं तो इससे अगेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी नो कमिंग ऑन टू द सेकंड सेट ऑफ रिफॉर्म्स टेकन अंडर दी कोल सेक्टर एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी डाइवर्सिफिकेशन कोल गैसिफिकेशन कोल गैसिफिकेशन और जिसको लिक्विफेक्शन भी बोलते हैं उसको इंसेंटिवाइज कर दिया है बाय गिविंग रिबेट इन दी रेवेन्यू शेयर और इससे बेसिकली इंडिया गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ और तेजी से बढ़ेगी कोल गैसिफिकेशन में बेसिकली सिन गैस का प्रोडक्शन होता है सिन गैस कंप्राइजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन एंड वाटर वेपर्स सो ये सिन गैस का फर्दर यूज होता है एनर्जी सेक्टर में सो इन कंपेरिजन टू कोल सिन गैस इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड ऑल्सो इट इज एनर्जी एफिशियंट बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि कोल गैसिफिकेशन से जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है उसका कार्बन फुटप्रिंट 1.8 पॉइंट टाइम ज्यादा है नेचुरल गैस से अब कोल गैसिफिकेशन को अगर इंसेंटिवाइज किया है तो सिन गैस का प्रोडक्शन बढ़ेगा और सिन गैस गैस को नेचुरल से रिप्लेस करने की बातें चल रही है तो नेचुरल गैस का कार्बन फुटप्रिंट कम है सिन गैस से तो so अगेन यहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा डिसएडवांटेज है सिन गैस वुड बी मोर पॉल्यूशन कॉजिंग इन नेचर अनाउंसमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू द इन्फ्यूजन

टेक्नोलॉजी जिसमें डीप कोल डिपॉजिट से डायरेक्टली मिथेन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इससे बेसिकली जो भी पोल्यूशन होता है कोल को जला के वो नहीं होता है बिकॉज ये अंडरग्राउंड होता है कोल डिपॉजिट्स जहां पे होते हैं ये ऑन साइट होता है और इस प्रोसेस से जो मिथेन एक्सट्रैक्ट होती है उसको अगेन एनर्जी सेक्टर में यूज किया जा सकता है तो कोल बेड मिथेन से रिलेटेड जो एक्सट्रैक्शन थे वो सीआईएल अब ऑक्शन करना स्टार्ट कर देगा एंड द सेकंड लिबरलाइजेशन इज विद रिस्पेक्ट टू माइनिंग प्लान सिंप्लीफिकेशन तो माइनिंग प्लान को काफी ज्यादा सिंपलीफाई किया गया है जिससे अगेन ट्रांसपेरेंसी आएगी माइन के वैल्यूएशन पे सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोल सेक्टर नॉ लेट्स मूव ऑन टू दी अदर सेक्टर्स द नेक्स्ट इज मिनरल सेक्टर यहाँ पे अगेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को एनहांस करने की बात करी गई है, तो है बाय मतलब जो जो इंट्रोड्यूसिंग की, तो की तरफ जाएंगे और वो डेफिनेटली माइनिंग सेक्टर में हेल्प करेगा तो जैसे हमने कोल सेक्टर में देखा था एक्सप्लोरेशन कम प्रोडक्शन रिजीम को लेके आए थे सिमिलरली यहाँ पे भी लेके आ गए हैं एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग कम प्रोडक्शन रिजीम यहाँ पे भी सिमिलरली कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस के बीच में डिफरेंस था वो अब हट जाएगा

होता है तो वहां पे अगर एल्यूमिनियम सस्ता जाएगा तो डेफिनेटली डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज को भी काफी ज़्यादा फायदा होगा एंड इट विल इवेंचुअली कैप्टिव और नॉन मिनरल इंडेक्स विल बी ट्रांसपेरेंट फॉर स्टेक होल्डर्स आर विलिंग टू इन्वेस्ट और पार्टिसिपेट इन द माइनिंग सेक्टर ऑफ इंडिया और साथ ही में रैशनलाइजेशन किया गया है स्टैंप ड्यूटी का ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगेन इंसेंटिवाइज हो सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मिनरल सेक्टर

गवर्नमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इवेलुएट करेगी और इसमें आइटम एड एंड सब्ट्रैक्ट करती रहेगी डिफेंस so मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे आ सकता है, Board, so, अभी तक में जितनी भी है उनका मैनेजमेंट उनका रेगुलेशन करता है तो so, इंडिया में नियर अबाउटी वन ऑर्डिनेस फैक्ट्रीज है जिनका हेडक्वार्ट कोलकाता में है तो गवर्नमेंट है इसका मतलब यह है कि

कॉर्पोरेटाइजेशन करने से स्टॉक पे लिस्ट करने से जो बेसिक फायदे हैं दैट आर ऑटोनॉमी अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी फर्दर यहाँ पे कुछ सजेशंस हैं जो गवर्नमेंट को कॉर्पोरेटाइजेशन के साथ करने चाहिए

2016 में जब डीपीपी आया था दैट इज डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016 उसमें क्लियरली एक टर्म मेंशन थी दैट इज आई व्हिच इज इंडिजीनियसली डिजाइनड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड

टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग और ये इंश्योर करेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट दैट इज पीएमयू जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और इसका यही काम होगा कि जो भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो वो अनरियलिस्टिक ना हो अभी तक प्रॉब्लम यही थी कि क्वांटिटीज अनरियलिस्टिक सेट हुआ करती थी जिसके कारण डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा डिलेज होती थी और कॉस्ट विथ टाइम इंक्रीज हो जाया करती थी तो पीएमयू का यही फंक्शन रहेगा कि वो टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट करे और डिसीजन मेकिंग को फास्टर करे बाय सेटिंग रियलिस्टिक क्वांटिटीज देयर बाय एंश्योरिंग रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज तो क्या बेनिफिट्स होंगे ये पूरे रिफॉर्म से इन द डिफेंस सेक्टर वो हम क्विकली देख लेते हैं डिफेंस सेक्टर में अगर हम बात करें तो द मेजर फोकस इज गिवन टू द रिडक्शन ऑफ द बिल किए जाते हैं इतना यूज इम्पोर्ट बिल को रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है नॉट ओनली टू रैशनलाइज दस्ट बट ऑल्सो टू एंश्योर एनहेंस्ड सिक्योरिटी बिकॉज अभी आप इम्पोर्ट कर रहे हो दूसरे कंट्रीज से अपने की स्ट्रेटेजिक एसेट्स और उसमें कॉस्ट के अलावा सिक्योरिटी इश्यूज भी बने रहते हैं अगर इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा जैसे कि ये पॉलिसी रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं तो इंडिया ना ही सिर्फ स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बट इट कैन ऑल्सो इंश्योर बेटर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस फोर्सेज नाउ लेट सी नेक्स्ट सेक्टर्स वेयर द रिफॉर्म्स हैव बीन पुश्ड द नेक्स्ट इज सिविल एविएशन सेक्टर अभी तक एयर स्पेस इंडिया में सिर्फ 60% अवेलेबल हुआ करती थी वो एयर स्पेस को फर्दर लिबरलाइज कर दिया गया है ताकि जो फ्लाइंग है वो और एफिशिएंट हो जाए तो इससे बेसिकली दो चीज होंगी एक टाइम रिड्यूस होगा और दूसरा फ्यूल कंजप्शन में रिडक्शन आएगा देन पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनकी बिडिंग करी जाएगी अगेन पे प्राइवेट का पार्टिसिपेशन सीक कर रही है गवर्नमेंट द नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू दी एम आर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट स्टैंड मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है सिविल एविएशन में जो कि मेंटेनेंस देखता है रिपेयर देखता है और ओवरऑल देखता है इन टोटल आप ये समझ सकते हैं कि जो सर्विसिंग देखता है बेसिकली ऑफ द एयरलाइंस इंडिया का कंट्रीब्यूशन एमआरओ सेक्टर में अगर ग्लोबल स्केल पर देखा जाए तो सिर्फ वन परसेंट है अभी तो इंडिया को हेविली डिपेंडेंट होना पड़ता है ऑन टू द एमआरओ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया जिससे अगेन ना कि सिर्फ कॉस्ट जाती है बट सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं तो रिफॉर्म्स का ये कहना है कि इंडिया को अब ग्लोबल हब बनाया जाएगा एम के लिए जिसके लिए गवर्नमेंट ने टैक्स रिजीम को थोड़ा सा रैशनलाइज किया है ताकि अगेन प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट करना चालू कर दें एंड सेकेंडली गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर को और सिविल एविएशन सेक्टर को एम के रिस्पेक्ट में कन्वर्ज कर दिया है जिससे ये होगा कि एक कॉमन एम सर्विस होगी वो डिफेंस को भी कैटर करेगी और वो सिविल एविएशन को भी कैटर करेगी तो अब यहाँ पे हम सिविल एविएशन सेक्टर रिफॉर्म्स के फायदे और नुकसान देख लेते हैं जल्दी से तो अगर हम पहले एम से ही बात करें तो यहाँ पे जो टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड किया है इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी की और ज्यादा जरूरत है ऐसा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है बिकॉज सिर्फ टैक्स को रैशनलाइज कर देंगे ऐसा बोलने से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें पीपीपी की जो कि बूस्ट किया गया है बाय अलाउइंग द बिड फॉर दी सिक्स मोर एयरपोर्ट्स उससे डेफिनेटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज एआई को फर्दर रिसोर्सेस मिलेंगे और वो रिसोर्सेज ए ए आई स्मॉल एयरपोर्ट में यूज कर सकता है बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हैवर्नमेंट है. ने छे एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया था और सारे एयरपोर्ट एक ही कंपनी को अलॉट हुए दैट इज अदानी ऑल दोन प्रोसेस बट अगेन दिस टाइप ऑफ ऑप्शनिंग डिस ऑफ दी प्राइवेट सेक्टर जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे दैट इज विध रिस्पेक्ट टू दी वॉल्यूम तो वॉल्यूम इंडियन एयरपोर्ट्स में कुछ ही एयरपोर्ट्स में इतनी है कि जहाँ से प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट फेच कर सकें एंड दीज एयरपोर्ट्स आर मोस्टली दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली मुंबई हैदराबाद बेंगलुरु कोलकाता एक्सेट्रा इन एयरपोर्ट्स के अलावा को मिलता है प्राइवेट पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है जस्ट बिकॉज ऑफ वन फैक्टर एंड दैट इज वॉल्यूम कि उन एयरपोर्ट्स पे वॉल्यूम इतनी कम है कि वो वहां से प्रॉफिट फेची नहीं कर सकते तो इस रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी उड़ान उड़े देश का आम नागरिक जो एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी दैट इज आर जिसने सिविल एविएशन सेक्टर को काफी एक बूस्ट दिया था बट अगेन पे ये चीज देखने को मिलती है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है जितना होना चाहिए था तो इट वुड बी बेटर कि उड़ान को रैशनलाइज फर्दर किया जाए ताकि ये जो छह मोर एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं इनमें वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए नेक्स्ट सेक्टर वेद रिफॉर्म टेकन इज दावर सेक्टर पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ जिनको बोला जाता है डिस्कॉम्स हमने फर्स्ट पैकेज दैट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन अनाउंस बाय द गवर्नमेंट उसमें भी देखा था कि स्टेट पीएसयूज़ को मतलब पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को उसको यह बोला था कि दोगे तो पावर सेक्टर से रिफॉर्म है, है, है वहां पर डिस्कॉम्स को मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा कंप्लीटली वहां पर स्टेट अब रन नहीं करेगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज तो ये डेफिनेटली एफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन सेट

इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स को बट अगेन वो रिवाइवल पैकेज किसी काम का नहीं रहा बिकॉज डिस्कॉम्स का फर्दर लॉसेस हो गया और वो अगेन उनका एनपीए खड़ा हो गया तो so, जो फाइनल सोल्यूशन है वो प्राइवेटाइजेशन का का ही है डिस्कॉम्स बिकॉज प्राइवेट सेक्टर मोर इन कैन इफेक्टिवली टैकल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया तो यहाँ पे स्टेट्स को यह मॉडल अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट एज एन एग्जाम्पल यूनियन टेरेटरीज में ये चीज करके दिखाएगी बट अल्टीमेटली एक्ट स्टेट्स को ही करना पड़ेगा बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट उसमें यूनियन कुछ नहीं कर सकता है कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे वीजीएफ दैट इज दाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को फर्दर इंक्रीज किया गया है थर्टी परसेंट से तो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम बेसिकली ये होती है कि जब इकोनॉमिकली जस्टिफाइड प्रोजेक्ट्स को फस की रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें फंड किया जाता है थ्रू दी वी जी एफ दैट इज दी वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब जो वायबल गैप है उसको फंड किया जाता है तो ये वर्ड्स में ही क्लियर डेफिनेशन छुपी हुई है अगर आप ऐसा देखें तो वो प्रोजेक्ट्स जिनका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है जैसे कि रोड्स का डेवलपमेंट आप समझ लो जो बनने में भी टाइम लगाती हैं और जिनसे रेवेन्यू निकलने में भी टाइम लगता है थ्रू दी टोल प्रोसेस तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में कंपनीज इन्वेस्ट तो कर देती है लेकिन रिटर्न आने में बहुत टाइम लग जाता है तो उनको फर्दर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फंड्स उनको दिए जाते हैं थ्रू दी वी तो उसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 30 परसेंट कर दिया है नो द नेक्स्ट रिफॉर्म्स हैव बीन डन इन दिस स्पेस सेक्टर स्पेस सेक्टर में लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई है टू दी प्राइवेट कंपनीज तो क्टर है दैट वॉज टोटली ओनड बाई दवर्नमेंट उसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं था बट पिछले कुछ एक दो सालों से इसरो काफी इफेक्टिवली परस्यू कर रहा था प्राइवेटाइजेशन को बाई आउटसोर्सिंग फ्यू ऑफ इट्स एक्टिविटीज थ्रू दी प्राइवेट सेक्टर तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर धीरे धीरे इंडिया में देखने को मिल रहा था और वो बहुत जरूरी भी है तो वो, वो प्राइवेट अभी तक थोड़ी बहुत कर रही थी लेकिन अब यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करी जा रही है मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को इक्वल फुटिंग पर रखा जाएगा अब इसरो के क्या यहाँ पे मेजर्स लिए गए हैं टू प्रोवाइड प्लेइंग फील्ड वो हम देख लेते हैं क्विकली द फर्स्ट इज प्रेडिक्टेबल पॉलिसी लेके आएंगे और रेगुलेटरी इन्वायमेंट को भी प्रेडिक्टेबल करेंगे मतलब जो भी अनसर्टेनिटीज थी विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिसी एंड रेगुलेशन वो अब आयरन आउट कर दी जाएंगी

इन कम्प्लायस इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन रिफॉर्म्स को अगर गवर्नमेंट इफेक्ट देगी थ्रू लेजिस्लेशन सो इट बी मोर स्टैचू होगा लॉ टू थाउजेंड सेवेंटीन का जो की पार्लियामेंट को फर्दर डिलीबरेट और स्टडी करके पास करना चाहिए सेकेंड पॉइंट आउटर इज दो हजार उन्नीस के बजट में गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया था एक नया

उटर तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब सेल्फ रिलायंस और गवर्नमेंट ने फाइनली एफेक्ट दिया है इन सारे पेंडिंग रिफॉर्म को थ्रू द

बट यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म छोटा सा ये है कि ये जो रिफॉर्म्स यहाँ पे मेंशन किए हैं अंदर आत्मनिर्भर भारत अभियान इन रिफॉर्म से कुछ इमीडिएट इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा जो कि रिक्वायर्ड था लॉकडाउन और कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के कारण आत्मनिर्भर भारत अभियान जो फिजिकल स्टिमुलस पैकेज 2.0 है वो लेके आया गया था कि इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव था शॉर्ट टर्म मेजर्स टू बूस्ट द इकोनॉमी एट प्रेजेंट बट ये ये जो मेजर्स मेजर्स हैं ये हैं अगेन लॉन्ग टर्म और ये एक तरीके के इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं जो कि गवर्नमेंट कभी भी लेके आ सकती थी लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं थी सो इट इज सेट बाय सम दैट द गवर्नमेंट हैज यूज्ड दिस क्राइसिस टाइम टू यूटिलाइज द ऑर्डिनेंस रूट

So these measures were long awaited and finally the government has given effect to them. They were much required for the Indian economy and for the India to compete at the global stage. But at this point of time, the measures are also required to deal with the lockdown and the coronavirus pandemic which were definitely missing in the fourth tranche of the government of India. So that was all in this video of the cracknets. Hope we have cracked it right. We expect you to post your comments, suggestions, queries in the comment section below. Check out our daily news nets for daily news briefings. Keep learning guys. Thank you.